हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त राम इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। मैं जो आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूं आज, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। मैंने कई लोगों को देखा है इंटरव्यू फेस करते हुए, तो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं सामने वाले को। लेकिन मैं जो आपके सामने जो टॉपिक लेके आऊँ उसके बारे में आज पूरा क्लियरिटी हो जाएगी आपको, और उसमें कभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं, बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ, और मैं तो चालू करते हैं हमारा अगला टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है? अगर हमारी सप्लाई इनपुट से, जो हमारा एक इनपुट है एक आउटपुट है, अगर इनपुट सप्लाई हमारा 11,000 है और आउटपुट सप्लाई हमारा 433 है, तो हमारा जो ट्रांसफार्मर होगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमेशा जो सेकंड आउटपुट है वो हमेशा डाउन हो जाता है, और अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो इनपुट की सप्लाई जो हम देंगे उससे ज़्यादा हमारा आउटपुट की सप्लाई अगर निकलती है तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाता है। जनरली ट्रांसमिशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, और जो हमारा जो रोलिंग मिल है या जो भी अदर यूनिट है उसमें स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर किया जाता है, क्योंकि हमको हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है 3.5 MVA का ट्रांसफार्मर है, और ये इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये जो दिखाई दे रही है HT केबल है, हमारे यहाँ HT केबल में जो सप्लाई आई है वो 11,000 सप्लाई है, और पतली वाली कंट्रोलिंग सप्लाई है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलो चलते हैं, बने रहिए आप मेरे साथ। तो सबसे पहले आता है हमारा ब्रीदर। ये सामने जो दिखाई दे रहा है हमारा, ये ब्रीदर का थोड़ा रंग चेंज हो गया है, हमको अभी सिल्कल चेंज करनी है इसकी। तो ये ब्रीदर है, ये ब्रीदर क्या काम करता है? एक्चुअली ब्रीदर का काम क्या है, ये ट्रांसफार्मर भी एक इंसानों की तरह सांस लेता है। जब हीट होता है तो इंसानों की तरह सांस लेता है, तो जब बाहर की जो एयर आती है उसमें मॉइस्चर होता है, जब ये ट्रांसफार्मर के अंदर अगर वो मॉइस्चर सीधे गई तो ऑयल के अंदर ऑयल का BD भी डाउन हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट होने के चांस होते हैं। तो इसके कारण क्या है कि हम लोग इसमें ब्रीदर लगाते हैं। ब्रीदर के अंदर नीचे एक थोड़ी छोटी कैप है, इसमें ऑयल डालते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल, उसके बाद ब्रीदर लगाते हैं। ब्रीदर का ओरिजिन जो इसमें सिल्का जली है, सिल्का जली इसके अंदर रहती है, जो पिंक कलर की जो सिल्का जली आपको दिखाई दे रही है ये एक्चुअली ब्लू कलर की होना चाहिए। हमारी सिल्का जली ख़राब हो गई है तो हम कल इसको चेंज कर देंगे। तो ये जब सांस लेता है तो उस जो एयर में के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उस मॉइस्चर को ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और इसको बिल्कुल ड्राई एयर को अंदर जाने देता है। तो ये हमारा हो गया ब्रीदर, और ब्रीदर के अंदर सिल्का जली, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं रेडिएटर। क्या? रेडिएटर। रेडिएटर एक्चुअली ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने का काम करता है। अगर ट्रांसफार्मर जो अपना रनिंग ट्रांसफार्मर में जो टेम्परेचर बढ़ता है तो रेडिएटर उसके ऑयल को कूल करने का काम करता है। जब ट्रांसफार्मर में ऑयल गर्म होगा तो ऑयल हल्का हो जाएगा, हल्का होने के बाद वो ऊपर की ओर जाएगा, तो जब ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर की ओर जाने के बाद वो ट्रांसफार्मर के रेडिएटर के ऊपर के विंस में जाता है, और उसके बाद वो ठंडा होकर, जब ठंडा होगा तो भारी हो जाएगा, भारी होने के बाद वापस इस सर्कल में नीचे आके ट्रांसफार्मर के टैंक में चला जाता है। ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये टैंक, इसको बोलते हैं कंजर्वेटर। कंजर्वेटर एक्चुअली ऑयल मेंटेन करने का काम करता है। इसमें जो भी अगर इसमें ऑयल गेज लगा होता है, क्या ऑयल का ऑयल गेज में अगर ऑयल की मात्रा कम है तो हमको गेज के द्वारा शो कर देगी और हम उसमें ऑयल फिलअप कर देंगे। तो कंजर्वेटर में हमेशा ऑयल होना चाहिए ताकि हमारे कभी भी अगर हम ध्यान ना दें तो हमारा लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। तो कंजर्वेटर को हमेशा हाफ से ऊपर ही फिल करके रखें। ये देखेंगे आप कंजर्वेटर में एक ऑयल लेवल का लगा हुआ, ऑयल लेवल मेंटेन करने के लिए, तो उसमें ऑयल दिखाई दे रहा है हमारा हाफ के आसपास ऑयल है, तो इसको हमेशा मेंटेन करके रखना कंपलसरी है। अदरवाइज हमारा लेवल डाउन होगा, हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर? ये हमारा टेप चेंजर, जनरली इसको वोल्टेज बढ़ाने और वोल्टेज कम करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें किसी में 5 टेप होती है, किसी में 7 टेप होती है, किसी में 15 टेप होती है, किसी में 17 टेप होती है। जो बड़ा ट्रांसफार्मर होता है उसमें 17 टेप होती है, हमारे छोटे में 5 या 7 टेप से ज़्यादा नहीं होती है। तो एक बार टेप को चेंज करने पे कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो 5 वोल्ट का इफेक्ट पड़ता है। अगर बढ़ाएंगे तो 5 वोल्ट बढ़ेगा, अगर कम करेंगे तो 5 वोल्ट कम होगा। ठीक है, ये हमारा ऑयल ड्रेन करने के लिए वाल्व है जिससे हम ऑयल ड्रेन करेंगे। ये जो आपको लिमिट स्विच जैसा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं PRV। PRV मीन्स प्रेशर रिलीव वाल्व। अगर किसी कारण से टैंक के अंदर गैस बनती है
तो ये पीआरवी रिले ऑपरेट हो जाएगी, लिमिट स्विच ऑपरेट हो जाएगा और स्विच ऑपरेट होने के बाद ट्रांसफार्मर अपना एसटी पैनल को सप्लाई देगा और वो ट्रांसफार्मर बंद कर देगा, ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा अपना। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये है बुकल्स रिले। बुकल्स रिले एक्चुअली ऑयल मेंटेन करने का ही काम करता है, अगर ऑयल लेवल टैंकी के अंदर कम हो जाएगा तो ये रिले ऑपरेट हो जाएगी, जिसके कारण हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा और ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा। तो ये सेफ्टी पर्पज से ये सब इंटरलॉक यूज किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे मार्शलिंग बॉक्स, मार्शलिंग बॉक्स क्या काम करता है और ये क्यों यूज किया जाता है। ये जो है हमारा मार्शलिंग बॉक्स है और जनरली मार्शलिंग बॉक्स का काम इसमें सारा कंट्रोल होता है और WTI OTI की डिले भी गेज भी लगा होता है। जैसा कि आप देखेंगे ये जो हमारे पास WTI का गेज है और ये OTI का है। OTI मीन्स ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये शो करेगा। इसमें दो लीड है, एक ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की। ब्लैक कलर की लीड हमेशा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, वो अप डाउन होती रहेगी। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो लीड भी शो करेगा और अगर ज़्यादा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो वो लीड 30 या 35 जो भी अपना जितना टेम्परेचर होगा उतना शो करेगा। लेकिन जो रेड कलर की लीड है ये फिक्स लीड है, इसको ये फ्यूचर में देखने के काम आता है कि हमारा टेम्परेचर कभी कितना तक, मतलब कहाँ तक गया था। तो ये जो ब्लैक वाला हमारा जब जाएगा आगे, सपोज माना कि हमारा टेम्परेचर 90 डिग्री तक गया, तो ये ब्लैक वाला जो उस रेड वाले को साथ में लेके 90 डिग्री पे छोड़ के आ जाएगा, मतलब वो स्टॉप कर देगा उसको और ये रुक जाएगा। जब तक हम मैन्युअली इसको रीसेट नहीं करेंगे तब तक वो 90 डिग्री पे ही स्टेबल रहेगा रेड वाला लीड। और ब्लैक कलर का लीड, अगर ब्लैक कलर की लीड जो है वो अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो वापस अपनी स्थिति में मूव हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मार्शलिंग बॉक्स में इतने सारे कनेक्शन हैं, ये सब कनेक्शन एक्चुअली जितने भी हमारे इंटरलॉक है यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर में जुड़े हुए हैं ये सब NO से जुड़े हुए हैं। जितने भी इंटरलॉक है हमारे सब NO है, PRV NO से जुड़ा है, MOG NO से जुड़ा है या फिर हमारा जो भी सिस्टम है वो सब NO से जुड़ा है। इसमें क्या होता है कि अगर सपोज माना कोई रिले ऑपरेट होती है या MOG क्या ऑपरेट होता है या बुकल्स रिले ऑपरेट होती है तो ये NO से NC बन जाएगा। NC बनने के बाद जो हमारा ST पैनल है, जो ST ब्रेकर है, उसको उसकी रिले ऑपरेट करा देगा, मास्टर रिले ऑपरेट कराएगा, जिसके बाद वो ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। तो इसके साथ ये तो हमारा ट्रांसफार्मर का ये जो टॉपिक है इसमें हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको नेम प्लेट दिखाते हैं ये कितने KVA का ट्रांसफार्मर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो कम्फर्ट डिस्टा पावर लिमिटेड का ट्रांसफार्मर है और ये 3.5 MVA का ट्रांसफार्मर है, यानी 3500 KVA। इसका जो इनपुट वोल्टेज है वो 11000 वोल्टेज है और आउटपुट जो है वो 433 है, ठीक है। HV जो करंट है हमारा 183.71 है और जो LV करंट है 4666, राइट। अभी हम देखेंगे इसमें ऑयल कितना आता है। जो ऑयल देख रखे हैं हम देखेंगे, आप इसको ऑयल लेवल है जो हमारा ऑयल के लिए जो है 1500 लीटर ऑयल लेवल यूज करते हैं हम, कितना 1500 लीटर। और हमारा ट्रांसफार्मर का टोटल ट्रांसफार्मर का जो वेट होगा 6200 होगा KG, यानी 6 टन के आसपास, 6 टन 200 हमारा ट्रांसफार्मर का टोटल वेट है। ये 50 हर्ट्ज़ है और ये ONOA हमारा ट्रांसफार्मर की कूलिंग है जो कि ओपन नेचुरल एयर नेचुरल जिसको कहा जाता है। अब हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि इसका जो करंट है, अगर हमारे पास जो KVA है या MVA है ट्रांसफार्मर का, कितने MVA का है और हमको इनपुट वोल्टेज इतना है तो उसका करंट कितना होगा, ये कैलकुलेशन मैं आपको शो करूँगा। तो चलो आप बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको कैलकुलेशन का बताता हूँ किस टाइप से इसका कैलकुलेशन करके हम KVA और HV से इसका करंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो जैसा कि देखा है कि हमारा ट्रांसफार्मर है वो 3500 KVA का ट्रांसफार्मर है, ST वोल्टेज 11000 है और जो LT वोल्टेज है हमारा 433 है और जो LT करंट है हमारा 4666 और ST करंट है 183 है। अब इसी का हम कैलकुलेशन करेंगे किस टाइप से, अगर हमारे पास KVA है और वोल्टेज है, अगर इनपुट का वोल्टेज हो तो इनपुट, अगर आउटपुट का वोल्टेज हो तो आउटपुट, किस तरीके से हम उसका करंट निकाल सकते हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ, चलो देखते हैं। ये हमारे पास कैलकुलेटर है,
अब हमारा जो केवीए है, अभी सपोज मारा इसमें जो फॉर्मूला है ये देखिए आप, केवीए इज इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज इंटू 1.73, क्योंकि वो थ्री फेज का इसलिए 1.732 डिवाइड बाय 1000। अभी हमको इसमें करंट निकालना है तो करंट को हम आगे ले लेंगे, हमको जो निकालना है ड्रा करना है उसको हम आगे ले लेंगे। सपोज मैंने हमको करंट निकालना है तो करंट को आगे ले लिया। अब हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा केवीए इंटू 1000 डिवाइड बाय 1.732 डिवाइड बाय जो हमको इनपुट का निकालना है तो इनपुट का, अगर आउटपुट का निकालना है तो आउटपुट का। तो वो जितना ही वोल्टेज, अगर इनपुट का है तो 11000 वोल्टेज, अगर आउटपुट का है तो 433 वोल्टेज, अगर हम इसमें रख देंगे हमारे जो फॉर्मूले में तो ऑटोमेटिक हमारा करंट इनपुट या आउटपुट का निकल आएगा। तो देखते हैं, चलो सबसे पहले हमारा जो हमको करंट निकालना है तो केवीए कितना है हमारा 3500, तो देखेंगे आप इस पर 3500। इसके बाद इसमें जो है 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन, जैसा कि फॉर्मूला है अपन, इनटू 1000 राइट। अब डिवाइड बाय क्या है हमारा 1.732 डिवाइड बाय, अब हमको इनपुट का निकालना है आउटपुट का। तो सपोज माना हम इनपुट का निकालते हैं, तो इनपुट का निकालने के लिए हमारा इनपुट वोल्टेज क्या है 11000, तो हम 11000 से इस पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 11000, जैसा कि देखेंगे 183 हमारा एचटी करंट निकला है जो कि यहाँ शो कर रहा है 183, क्लियर। अब हम इसी के द्वारा आउटपुट का करंट चेक करते हैं कि आउटपुट का करंट कितना होगा। तो देखिए इसको फिर से जाते हैं, हमारा जो करंट है उसको निकालना है हमको, तो केवी हमारा वही सेम रहेगा 3500 इंटू 1000, क्लियर, डिवाइड बाय 1.732 डिवाइड बाय, पहले हमने लिया था 11000 इनपुट का वोल्टेज लिया था जिससे हमको इनपुट का करंट निकला था, अब हम लेंगे आउटपुट का वोल्टेज जिससे हमको आउटपुट का करंट निकलेगा। तो हम लेते हैं आउटपुट का वोल्टेज क्या है हमारा 433 राइट, तो हम यहाँ 433 मेंशन करेंगे 433, तो हमारा करंट निकल आएगा। यह हमारा 4666.94 जो कि यहाँ पे भी शो कर रहा है 4666.94। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल को हमेशा ध्यान से देखने में, हमेशा टेक्निकल वीडियो ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।